नमस्कार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है देवभूमि उत्तराखंड के इस खास चैनल में जिसका नाम है बोलते पहाड़। और आज अप्रैल का आखिरी दिन है और मुझे आज 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं घर पे रहते हुए, तो कहीं जा नहीं रहे हम लोग बाहर। मोस्टली बहुत कम, बहुत ज़्यादा, मतलब 0.0001% बस जब हम लोग पानी लेने जा रहे हैं या सिंपली तभी हम लोग जा रहे हैं। बाकी काफ़ी सही है आज का दिन, तो देखिए क्या क्या किया आज हमने दिन भर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज एक डॉक्टर है जिनकी दवाइयाँ खाती दादी, तो उनसे ही कंसल्ट किया, अभी कुछ और दवाई लेनी है इनके लिए, पता नहीं क्या होगा। इया इया ओ दही है ये बढ़िया वाली। Stay safe, be awesome, be happy and come back soon. जाओ जाओ अच जाओ, ठीक है। आराम से वहाँ के बाय। हाथ अच्छे से धोएं। आज थोड़ा ठीक है तबीयत? नहीं, मैं ठीक। क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? खाना नहीं रहा ना, तुम मुझे बेलने चढ़ का। दादी के लिए खिचड़ी। हाँ दादी, गरम गरम अभी। ओके दादी। जल्दी ठीक है, जल्दी खाना खिला। आप ये खाने पहले भी ये वाले देखे खाने पहले भी ना। दादी की दवाई चल रही है बहुत, ये नए दवाई लाए थी आज आपकी खातरी वाली, शुगर भी पे थायराइड की दवाई ना। चले खा ले दादी, कोई बात नहीं। थोड़ा टाइम गैप लेना दादी, अब 2 मिनट को। अरे हम पानी नहीं जा रहे, पानी खत्म घर पे। टमाटर क्या है? पानी पीने के लिए हम लोग कोई साथ चमन से। टमाटर टमाटर क्या है? टमाटर मम्मी पता नहीं, एक बार देख लो फिर तब को बता देना। गाड़ी के अंदर फेंगे गर्म लग रहा। अभी हम पानी लेने जा रहे हैं, बाकी चमन से हम लोग पीने का पानी लाते हैं। और बाकी जो नॉर्मल पर डे पानी आता है वो झील की तरफ से आता है, तो वो नहीं जो सुबह आता है, तो झील का पानी है, इसमें केमिकल होता ही है। हाँ मतलब पीने के लिए सेफ नहीं है ना उसे, इसीलिए हम चमन से आते हैं। चमन में नेचुरल पानी आता है, बिल्कुल एकदम ताज़ा पानी, तो वहीं से हम लोग लेके आते हैं ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन के अंदर में। तो इसलिए पूरे टीरी के ऑलमोस्ट 80% लोग वहीं से लेके आते हैं पानी वगैरह, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। मार्केट में आजकल भयंकर भीड़ लग रही है, क्योंकि तो टाइमिंग कम है मार्केट का, राजा खुल जाएगा यार 7 से 2 बजे तक का। भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे भी, ये सारे डब्बे पड़ने हमको, ये वाले टाइम लगेगा अभी। हम लोगों ने मम्मी क्या बना रहे हैं आप आज? लो मिक्स ही लेके आ गए। ये क्या है? ये सुनो किस दे तो ले के है तो बताओ। ये पर पीछे अच्छी है क्या चीज़ है? अच्छा भाणू। ओके दादी के लिए। वाह कितनी प्यारी प्यारी चिड़िया, छोटी छोटी सी वाली। देख राजी मेरे जो टीचर कॉलोनी में ओपन रहते छत के ऊपर जो घोंसला उल्टे बनाते हैं, तुम वही चिड़िया है ना चिड़िया? क्या कर रहे हो आप? चाय बना रहे हो? सो फार एनी टाइम इज कितने घंटे का टाइम? 5:02 और शाम का वक्त हो रहा है इस टाइम पे। और कोई मैसेज देना चाहते हो पूरी दुनिया को? मैसेज दे कुछ भी मैसेज जो आप बोलोगे पूरी दुनिया के पास चल जाएगा, बताओ। क्या मैसेज देना चाहते हो आप पूरी दुनिया को? मैसेज सब घर पर रहा और
स्कूल पढ़ना जा, घर पर रहो, यहाँ मत जाओ और बाहर मत घूमो, और बाहर मत घूमो, और घर को खाना खा, बाहर खाना, घर का खाना खाओ, बाहर का खाना मत खाओ, और और क्या बस बताओ। सबसे बढ़िया वही है कि अपना घर पर रहो, सबसे अच्छा यही है कि आप घर पे रहो, जो बाहर निकलो वही वही का डर, बस जो बाहर जा रहा है उसको डर है। किस डर है मम्मी? कोरोना की। हाँ, कोरोना का डर है कि बाहर। सबसे बढ़िया घर पर रहा, अपने परिवार का साथ रहा, मतलब घर पे रहो, अपने परिवार के साथ रहो। क्या आपने कभी ये नहीं बीमारी देखी कभी आज तक? कभी मतलब मम्मी को पूछा मैंने, कभी आपने ऐसी बीमारी देखी कभी की ऐसे? पहली बार हुई। मम्मी कह रही पहली बार ऐसा कुछ हुआ जब उन्होंने पे पूरे लाइफ टाइम में देखी ये सारी चीजें। सो दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले बीमारी थी तो मम्मी उसमें सब लोग गाँव के लोग डरते थे खतरनाक। अरे वो बीमारी थी जिसका कि नाम मैंने लिया जाता, बट अब उससे खतरनाक बीमारी आ सकती है जिसका नाम सब ले रहे हैं। सोचो तो वो बीमारी थी हैजा। हैजा बोलते हैं, हैजा बहुत ही ज्यादा मतलब इतनी घात बीमारी थी तो वही वजह। तो हैजा बोले ऐसी बीमारी जी क्या, पहले बहुत ज्यादा ऐसे मिसकंसेप्शन थे बीमारी के बारे में कि जो भी उसका नाम लेगा उसको भी वो बीमारी हो जाएगी, ऐसा था कि वो पटियाला नहीं था, कभी चिल्लाते नहीं थे कि दूर दूर रम था, दूर दूर रहते थे, अलग अलग जंगल में तो उस टाइम अपना भैंस बल्द भैंस वाली अपनी बैल और भैंसों के साथ ही लोग रहते थे उस टाइम पे, अलग पानी अलग सब कुछ। तो यानी कि भैंस यानी कि जानवरों का पानी अलग था उनके लिए, सब कुछ खाना पीना और सब कुछ वैसे ही खतरनाक है। और उससे भी खतरनाक बीमारी आ चुकी थी और लोग ठेला ही रहता था उस टाइम पे, फिर भी लोग ठीक हो जाते थे कि उससे। और ये थोड़ा सा ऐसा था सोचो। तो ये जो लैंग्वेज मम्मी बोल रही थी गढ़वाली लैंग्वेज है जो कि हमारी रीजनल लैंग्वेज है, और अगर आप चाहते हो कि आप और वीडियोस देखना चाहते हो रीजनल लैंग्वेज में यानी गढ़वाली लैंग्वेज में, तो एक और चैनल है मेरा जिसका नाम है आशीष श्यामौली ब्लॉग्स, तो उसको मैं हमेशा एंड स्क्रीन में ज़रूर रखता हूँ उसको, उसमें तो आप जरूर चेकआउट करना, उसमें मैं गढ़वाली पर वीडियोज़ बनाता हूँ। हमारे उत्तराखंड की एक टाइप से भाषा ही बोलूँगा मैं बिल्कुल, तो कुमाऊनी है, जौनसरी है, अलग अलग तरह की यहाँ पे भाषाएं हैं जो कि बोली जाती हैं, इनको बोली बोलते हैं ऐसे हम लोग, बट हम लोग भाषा ही बोलते हैं क्योंकि हम बचपन से ये चीज़ बोलते आ रहे हैं और सीख भी रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं। बट आज के टाइम पर लुप्त होती जा रही है हमारी लैंग्वेज, तो यही मेरा प्रयास है जो कि मेरे पुराने चैनल में है आशीष श्यामौली ब्लॉग्स में, उसमें बहुत सारी गढ़वाली डॉक्यूमेंट्रीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं गढ़वाली में, तो आप लोग लुप्त ज़रूर हैं अगर आपको गढ़वाली सीखनी है यहाँ पर तो। ठीक है, चाय तैयार है, चाय दादी को पूछूं। कू से नमस्ते, निकू पर देखो, निकू नमस्ते करो, करो करो नमस्ते। ये 1.5 साल का निकू है, निकू सुश हाउ आर यू, कहाँ जा रहे हो? इसको वहाँ तक ड्रॉप करके आ रही हूँ, कैमरा यहीं रखना, फिर मैं स्टाइल से आऊँगी। कितनी देर में? 2 सेकंड में इसको यहाँ स्टेयर्स पे ड्रॉप कर। अच्छा फिर जाओ जाओ, गो 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 गो। And weather is like this, thande thande mausam mein. अभी मैं पुनीत भाई से बात कर रहा हूँ, पुनीत भाई स्पीकर में करता हूँ कॉल। पुनीत भाई कैसे हो? बढ़िया भाई बढ़िया। और क्या चल रहा है फरीदाबाद में? फरीदाबाद में कुछ नहीं चल रहा है भाई। कुछ नई ताज़ा खबर बताओ फरीदाबाद की। फरीदाबाद की खबर क्या बताओ यार, बताओ। ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं लोग, ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं और क्या। अरे यार, और तुम यहाँ कब आ रहे हो उत्तराखंड? मैं नहीं आऊँगा भाई अब। क्यों? मैं नहीं आऊंगा भाई, घूमते तो नहीं यार तुम लोग। घूमता क्यों नहीं भैया, लेके मैं भाई गांव के अलावा फिर और भी तो है यार, और भी तो मजा आता है। हां बट इस बार अलग ही मजा आया, वो तो अलग है यार, अगर तू अलग से उनको भाई वो काउंटेबल नहीं होता है। अगर तो सोच रहा है कि केदारनाथ जाएगा इस टाइम, चार धाम यात्रा निकलती गवर्नमेंट ने खुद से, वही अब बोला ना बात, अब आई ना मुद्दे की बात। हां तो मुद्दे की बात ये फिलहाल अभी तो मतलब इस साल केदारनाथ जाने का सीन तो बिल्कुल जीरो है इस टाइम पे फिलहाल अभी के लिए। हाँ बाकी तो पता नहीं यार, देखते हैं क्या होता है केदारनाथ का यार, अभी तो
चल कोई नहीं। और बाकी फरीदाबाद के मतलब वहाँ पे सब स्टेबल है कंडीशन या कैसी नहीं कंडीशन है भाई, है? कुछ भी नहीं है, मैंने लॉकडाउन सही नहीं लगना लगा तो चाहिए। वो लग गलत फील कर रहे हैं कि सही फील कर रहे हैं? नहीं, लगना चाहिए भाई, बट लग नहीं रहा ना, लग नहीं रहा है। चल कोई नहीं, क्या यार एक बात बता मेरे को, सिंपल सी बात बता। बहुत बड़े बड़े बंदे हैं ठीक है, वो बंदे बोलते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, कोई बीमारियां नहीं है, कुछ नहीं है, ये अफवाह फैल रखी है, ये है वो है। यार चल ठीक है भाई, यार नहीं है तो भाई ये बताओ ना कि लोग मर क्यों रहे हैं? आप बात भी सही है, सही बात है। क्यों मर रहे हैं भाई लोग? ऑक्सीजन के लिए कोई तड़प रहे हैं? ऐसे तड़प रहे हैं वैसे जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया हो। ये बात भी सही है भाई, जब कोरोना नहीं है तो फिर बंदे मर क्यों रहे हैं? पता नहीं यार, ये तो मुझे नहीं पता, बट ये कि दवाई के लिए लोग इतना तड़प रहे हैं इस टाइम पे, ऑक्सीजन के लिए लोग इतना तड़प रहे हैं इस टाइम पे। बोल दे सबको नमस्ते। सबको नमस्ते भाई, तरफ से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये पुनीत भाई हमारे, पुनीत जामनी भाई, ठीक है, ये जो हमारे गांव गए थे स्पेशली, आई विल मेंशन द वीडियो, और जिन्होंने बनाए थे चाप, अगर आपको याद हो तो, तंदूरी चाप। याद आ गया, बटर तंदूरी चाप। शादी कब हो रही है तुम ये बताओ यार सबको। क्या कर रहा है? शादी कब हो रही है? कोई शादी वादी नहीं हो रही भाई। मुद्दे की बात कैंसिल हो गया वो है? तो कैंसिल हो गया। अच्छा सुन, अगर तेरे को अभी करंटली कोई बहुत अच्छी लड़की मिल जाती है जिसके शादी वगैरह के लिए मतलब, तो अभी तू करना चाहेगा शादी या नहीं करना चाहेगा? क्यों नहीं, पागल है क्या, कौन मना करेगा? अच्छा ओके, तो मतलब तेरे को मंजूर है कि हम लोग शादी में ना? यार बहुत कम लोग रहे हैं मतलब। ना ना ऐसे चीन नहीं करूंगा भाई, मजाक करूंगा तो सर्दियों में करूंगा, टेंशन नहीं है, आराम से करूंगा, गर्मियों में नहीं करते भाई। सबाश चल चल, अब तो सर्दी आने में टाइम है, फिर तो मामला भी सॉर्टेड हो जाएगा। क्यों चल, थैंक यू भाई अपना इंटरव्यू देने के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स से थैंक यू टू पुनीत जामिनी, थैंक यू ब्रो। सही है भाई, सही है सही है। ये हमारे डुबी क्लब के अध्यक्ष हैं। फाइनली पिंटोस का दोस्त भी जवान हो गया एकदम, कितने प्यारे प्यारे पिंटोस आ रखे हैं उसमें, तो ये फ़ायदा होता है पानी डालने के बाद। ना बेचारा सूख गया। हाँ लव दिस वन। फुल ऑन प्रिकॉशंस के साथ रहिए आप सब भी, और अपना ख्याल रखिए, बाकी ये बुरा वक्त चला जाएगा और फिर से खुशियाँ वापस आएंगी, सब खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और फिर से हम लोग सब जगह घूमेंगे फिरेंगे, बट इस टाइम पे थोड़ा सा शांत बैठना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखो, और जितने आपके रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, सबसे बात कीजिए, उनसे फ़ोन में बात कीजिए, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे भी, तो आजकल मैं डेली किसी न किसी को कॉल कर रहा हूँ, अपने किसी फ्रेंड को, किसी फैमिली मेम्बर को, तो आप लोग ज़रूर ऐसा कीजिए, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी खुद से, और सबका हालचाल पूछिए तो भी अच्छा लगता है। ठीक है, मिलते हैं कल रात को 9 बजे, तब तक के लिए मेरी तरफ से निकासी चमोली की तरफ से नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जय हिंद और जय भारत।